सरकारों को, अधिकारियों को और पब्लिक को सावधान होना चाहिए, अपने लिए जहरी वृक्ष न लगाएं। अंग्रेजी बबुल और नीलगिरी। तीसरी है घास। मैंने सुना है वो घास को किसान बोलते हैं ये कांग्रेसी घास है। न बकरी खाती है, न भैंस खाती है, न गाय खाती है, न गधा खाता है, और खेतों में ऐसे फैलती है जैसे सूखे घास में आग फैल जाए। हवा में उड़ उड़ के फेंकते और हजारों एकड़ जमीन हमारी खराब हो गई। विदेशों से जो हम गेहूं मंगाते थे अब अपने आत्मनिर्भर हुए, तो अब विदेश नीति ने, विदेश एजेंसियों ने हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारे यहाँ वो बीज छटवा दिए। वो मध्य प्रदेश में हजारों एकड़, अपना जो रतलाम में मांगल्य मंदिर है उसकी भी कई एकड़ जमीन इसी कांग्रेसी घास की शिकार बन गई। लोग गाली देके बोलते हैं उस घास को कि तो दिखने भर को है, कांग्रेसी घास है। दूसरा उसका नाम है अंग्रेजी पालक। तो उसको नाश करने के लिए भी अधिकारियों को, वन विभाग को और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। तो जठरा मंद होने से रोग होते हैं, तो रम रम शब्द से जठरा तीव्र होगी। पीछे श्वास करके 25 बार प्राणायाम करने से बुद्धि शक्ति विकसित होगी। आगे गर्दन झुका के श्वास लेने से 25 बार स्मृति बढ़ेगी। बच्चों को ये जरूर सिखाओ और उसमें ओम मिला दो तो तुम्हारे दो मस्तिष्क है खोपड़ी में, एक में क्रिया की, कर्म की प्रधानता है, तो दूसरे में कर्म की प्रधानता है, तो दूसरे में भाव की और खुशी की प्रधानता है। उन दोनों के बीच एक खाई है, तो योगी लोग उस खाई को भरने के लिए सुषुम्ना का द्वार खोलते हैं। अब आपके बच्चों का ये सुषुम्ना का द्वार तो बाल संस्कार केंद्र में जाते होंगे तो खुलेगा देर सवेर में, उनको प्रयोग सिखा दूंगा, अथवा विद्यार्थी शिविर में ये प्रयोग सिखा दूंगा। लेकिन तुम्हारे बच्चों में आवेग, आवेश या डरपोकता ना आए, इसलिए उनको ओमकार का गुंजन और जठरा तीव्र है इसलिए रम रम का गुंजन कराना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जठरा तेज रहे, पाचन बढ़िया रहे, मनोबल बढ़िया रहेगा। शरीर अस्वस्थ होता है तो फिर मन भी थोड़ा इधर उधर होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और भी कुछ होता है। कई बच्चे किसी मुसीबत का थोड़ा सा सामना करने में इतने कायर होते हैं कि घर से भाग जाते हैं या सुसाइड, आत्महत्या तक की नौबत ले आते हैं। तो बच्चों को समझाओ कि ऐसे तुम आत्महत्या नहीं करो, ऐसा मत बोलना। आत्महत्यारे को ऐसा पाप लगता है कि उसको कंधा देने वाले को भी पाप चढ़ जाता है, और उसको जलाने ले जाए तो उसको पाप लगता है, इसलिए उसको किसी को पैसे दे के घसीटवा के गांव के बाहर फेंकवा देना चाहिए, ताकि उस पापी को कुत्ते और गीद नोच ले। ऐसी बात आप फैलाओगे तो बच्चे फिर आत्महत्या की नौबत से और लोग भी बचेंगे, और बिल्कुल शास्त्रीय बात है। लेकिन ये बच्चे कमजोर मन के होते हैं, कोई भी कमजोर, कमजोरी की पराकाष्ठा, कायरता की पराकाष्ठा आत्महत्या कराती। शेयर मार्केट का ब्रोकर दलाल बंबई में था, और उसको अभी शेयर डाउन हुए तो इतना, किसी नेता के 50 लाख थे, उसने इतना दबाया, दूसरे लोगों के थे तो इतना दबाया कि वो दो बच्चे और पति पत्नी पॉइजन ले आए थे, समुद्र के किनारे पीकर सो जाने वाले थे। तो मेरे को पता चला, मेरे से उन्होंने कांटेक्ट किया, आखिरी प्रणाम, अब कोई उम्मीद नहीं बचने की, वो नेता बड़ा भारी है और दूसरे लोग भी तंग करते। मैंने उसको कहा तो हिम्मत रख, कैसे भी उसको हिम्मत दिया, अब तू ये जगह छोड़कर कहीं भाग जा। वो इंदौर चला गया, धंधा करने लगा। नेता ने तो उसका फ्लैट तोड़वा के कब्जा कर लिया, चलो कर ले कोई बात नहीं। उसने कमाया और किसी सेठ ने 5 लाख दिए थे, उसको 5 लाख वापस मिल गए,
उसके बच्चे भी ठीक पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक है। और अभी इंदौर में गुरु पूनम के लिए उसकी पत्नी को उसको मैंने खुशहाल देखा। तो ये जरूरी नहीं है कि मुसीबतों का इलाज आत्महत्या, नहीं, धीरज करो, उस स्थान को छोड़ के जाओ। लेकिन आत्महत्या की कायरता ना है उसका एक प्रयोग है, और आपका मन दुर्बल न हो उसका एक प्रयोग है, मत्था टेक कार्यक्रम सुरेश दिखाएगा। इससे गर्भिणियों को तो बहुत फायदा होता है, मासिक धर्म वाली तकलीफें भी दूर होती है, मन के आवेग आवेश ये इस तरीका से मत्था टेका। ये तो घूम के दिखा रहा है एक्शन आपको, एक ही तरफ आपने सुबह घुटनों के बल बैठ गए, हाथ मिला दिए, दिखा दे सर, हाथ मिला दिए, दोनों हाथों की उंगली और सिर धरती पे रखा। इससे जो आपके केंद्र सक्रिय होंगे, और इस समय ये करते समय अगर शौच जाने की इंद्री को संकोचन किया 25 बार, तो प्रसूति के बाद जो शरीर में रिकवरी छाई है जल्दी होगी, प्रसूति की जगहों के जो सेल्स हैं वो जल्दी ठीक होंगे, लचकीलापन आएगा। और गर्भ है उन दिनों में भी संकोचन करे, शौच जाने की इंद्री को संकोचन करके लेटे रहे जब भी 25-50 बार, तो गर्भ जब प्रसूति होगी तो उतनी पीड़ा नहीं होगी जो ऑपरेशन की नौबत आए, और प्रसूति में मदद मिलेगी आराम से, और मासिक धर्म की तकलीफों में आराम रहेगा। लेकिन महिलाओं को ही फायदा होगा ये बात नहीं, पुरुषों को भी होगा। योनि संकोचन रोज 25 से 50 बार करें, सपन दोष की बीमारी, आवेश आवेग की बीमारी और आत्महत्या की नौबत जैसी भाव, ये दो आसनों से हो जाएगा, मत्था टेक कार्यक्रम और संकोचन। गर्दन पीछे करने से बुद्धि में तीव्रता, गर्दन आगे झुकाने से सुमरण शक्ति में तीव्रता। युवाधन पुस्तक 12 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्तियों को 5 बार पढ़ लेना चाहिए, उसमें कुरान से भी लिया गया है, जैन धर्म से भी लिया गया है, सनातन संस्कृति के नियम विशाल है तो वहीं से उठाया हुआ सभी ने, लेकिन फिर भी सबको अपना लगे इसलिए युवा धन को सभी मजहबों से रिलीजियसों से युवा धन पुस्तक की पुष्टि हो गई है। तो किसी भी मजहब का व्यक्ति हो उसका शरीर स्वस्थ हम चाहते, चाहे मुसलमान हो तो क्या हो गया, ईसाई है तो क्या हो गया, है तो मनुष्य है तो अपने भाई, पारसी है तो क्या है। एक मेरा परिवार, कई है ऐसे पारसी मेरे भक्त, तो एक भक्त को कमर में दर्द हुआ था, उसकी पत्नी आई थी परसों, कल दोपहर तक थी, उसके अच्छे लंबे चौड़े धंधे हैं, अपने पानी के जहाज बहाज भी हैं, तो लंदन में दर्द हो गया और भगा तुरंत बंबई, और एक्सरे कराया तो बताया गया, अब नाम तो अलग अलग रख देते हैं, गांठ हो गई थी अपनी देसी भाषा, तो वो गांठ हो गई, तो उस गांठ को गलाने के लिए गोझरण काफी है, सेक काफी है, प्राणायाम, गोझरण और सेक, 2-4 दिन में वो गल सकती, 5 दिन में, 10 दिन में, उसका थोड़ी सी होती है वो नाड़ी में, रक्त सप्लाई में अड़चन देती, वो सिर में गांठ हो